चरण उठो जल्दी, वो देखो वहाँ पर एक आइलैंड है, चलो ना वहाँ जल्दी। क्या नींद में से उठा के आइलैंड दिखा रही है, चल के जाएंगे क्या वहाँ? तुझे तैरना आता है? पता चला तू डूब गई और मैं पहुँच गया। क्यों चिल्ला रही है? कोई सो रहा होगा तो जाग जाएगा। ए, सॉरी बोल दो। हाँ? मुझे सॉरी बोल दो। किस लिए? कल रात तुमने मुझे मारा ना? हाँ? सॉरी बोल दो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। मैं समझ सकती हूँ तुमसे गलती हो गई, मुझे सॉरी बोल दो। रस्सी जल गई पर अब तक बल नहीं गया। सॉरी तू मुझे बोल। हाँ? ओके ओके, अब मेरा एडवोकेट ही आकर तुमसे बात करेगा। हम बुला ना, एडवोकेट को क्यों, पूरे खानदान को बुला। बात करते हैं। तुम्हें तो मैं जेल भिजवाऊंगी और तुम्हारी उस इंडो बैंकॉक कंपनी पर भी केस करूंगी। ठीक है, जिसे बुलाना है बुला ले, मैं यहीं खड़ा हूँ और किसी से नहीं डरता। तुम मुझे धमकी दे रही है, मुझे घमंडी कहेंगी। मुझे तो उस लड़के पर शक हो रहा है, जरूर उसने पैसों के लिए बेबी को किडनैप किया है। पता नहीं उसने नादान बच्ची के साथ क्या किया होगा, जल्दी से उसका पता लगाओ। आप सोच रहे हैं जैसा, करण बिल्कुल नहीं है वैसा। जिस राक्षसनी को आप बच्ची कह रहे हैं उससे तो मेरे मुन्ने को अभी तक निगल लिया होगा। क्या राक्षसनी? यस, मेरी बेबी ने उसे निगल लिया। ए, फूलों से भी नाजुक, मेरे मालिक की बच्ची है। मैं कहता हूँ चराग लेकर ढूंढने पर भी ऐसी लड़की नहीं मिलेगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे राक्षसनी कहने की? तुमने ऐसी गुस्ताखी की, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। घंटी बज गई, बॉस का फोन है, सब लोग चुप रहना। सर सर सर। क्यों रे, मेरी बेटी क्या कर रही है? बेबी अंदर सो रही है, आप कहें तो उठा दूं। नहीं नहीं सुने दो। उठा देता हूं ना सर। अबे क्या? उठा देता हूं, बात कर लीजिए। अरे बात तो सुन, उसे सोने दो। ठीक है सर, बच गया, पर अगली बार क्या करूंगा। सुन ली मैंने तेरी बकवास, अगर ये तेरे आर पार हुआ ना तो बक बक बंद हो जाएगी। सॉरी, बहुत गर्मी लग रही है और बहुत भूख भी लगी है। चुप हो जाओ, रोना बंद करो, रोना बंद करो, इन्हें भी चुप कराता हूँ। रोना बंद करो, तुम रोने लगोगी तो मुझे कौन संभालेगा? कहाँ चली गई संजना, अब उसे ढूंढ क्यों नहीं रहे? अरे उसे ढूंढने की कोशिश तो कर रहा हूँ मैं, आई एम ट्राइंग। दिल करा उसकी जान ले लूं। ए, चखेगी क्या? क्या वो? या बिल्कुल नहीं, ना सॉल्ट ना पेपर ना ठीक से पकाया, तुम ही खाओ। तू क्या फाइव स्टार होटल में बैठी है? जानते हो मैं एक शेरनी हूँ और शेरनी कितनी भी भूखी क्यों ना हो, बिल्लियों की तरह मछली वछली नहीं खाती। कितने गंदे हो तुम, यक। सुब्रमण्यम जी, हमने बहुत इंतजार कर लिया, ओके? अब तो उसके डैड को फोन करना ही होगा। यहाँ खड़े खड़े कुछ नहीं होगा, तुम्हें संजना के डैड को फोन करना होगा। भाई ऐसे नहीं मानेगा, तुम अभी संजना के पापा को फोन लगाओ। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, फोन मत लगाओ प्लीज, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, पर प्लीज फोन मत लगाना, फोन मत लगाना। Wow, thank God!
आगे किसका घर है? मेरा है। तुम्हारा है? हाँ। ये तुम्हारा घर है? नहीं हो सकता। बड़ा आया घर वाला। खड़ी हो जा। सुना नहीं, खड़ी हो। अब बोल, ये घर किसका? तुम्हारा। ये आइलैंड किसका? आइलैंड भी तुम्हारा। मैं इस आइलैंड का राजा और ये मेरा महल और तू मेरी दासी, मतलब नौकरानी। एक बार मैं समझता नहीं। चल अब निकल, राजा को आराम करने दे। चल निकल निकल, गेट आउट। घमंड। अरे वाह, यहाँ पर सील पैक बॉटल। ये आइटम पिएगी क्या? सील पैक है। नहीं। क्यों, अब तक तुझे प्यास नहीं लगी? लगी है। तो मुझे मिनरल वाटर चाहिए। अबे तेरी तो, तेरे बाप ने यहाँ मिनरल वाटर की फैक्ट्री लगाई है। ये देख, एक ही बॉटल बची है। अब मिनरल वाटर तो यहाँ मिलने वाला नहीं है, पीना है तो पी वरना मर। ठीक है चरण। क्या बोला तूने अभी? मुझे सर बोल, चरण सर। जी सर। हाँ। इस रुमाल का क्या करेगी तू? इससे कुछ नहीं ढकने वाला। ये मुझे दे। क्या हुआ, टेंशन है? वो लड़की थी तो टेंशन, नहीं है तो डबल टेंशन। रिलैक्स। तुम शादीशुदा हो? शादी? अभी मेरी उम्र क्या है? मैं भी कुमारी हूँ, मेरी भी नहीं हुई। तुम्हारी शादी से मुझे क्या? बस करो, नहीं तो मैं रो दूंगी। तुम्हें क्यों रोना आ रहा है? ये तन्हाई, ये केलापन। क्या कहा, केलापन? नहीं, अकेलापन। मेरा केलापन दूर करो ना। मुझ पे चांस क्यों मार रही है? मुझसे शादी करो ना। मुझे अकेला देख के मौके का फायदा उठा रही है क्या? मैं भी अकेली, तुम भी अकेला। नो 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 नो, तुम उस पार, मैं इस पार, हम दोनों में नो प्यार। सोचो सोचो, रोज नया झटका दूंगी। अरे रे रे रे, तुम्हारे झटकों से मेरा बदन और ढीला हो जाएगा। कोई बात नहीं, मैं कड़क कर दूंगी। अरे सोचने का थोड़ा टाइम तो दो। देखो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, चली जाओ यहाँ से। सोचना। हाँ। नमस्ते। नमस्ते, चलो अपने रास्ते। ए आइटम, इधर आ। हाँ? इधर आना। हाँ? मेरे पास आ। क्या है? एक गाना गा। मैं गाना वाना नहीं गाने वाली। देख, चरण सर पूरी तरह बोर हो गए, इसीलिए गाना वाना गा, कुछ ठुमका लगा, थोड़ा एंटरटेनमेंट कर यार। नहीं नहीं, मुझे गाना वाना नहीं आता। तू ऐसे नहीं होने की, तुझे तो। अंग्रेज की औलाद, तू यहाँ इंडिया से ही आई है ना? क्या? इंडिया से ही। हाँ, तो इंडिया में भारतीय गाना। हाँ, क्या समझी? हाँ, हिंदी गाना, हिंदी। हाँ, इसीलिए आसमान से उतर, धरती पर आ और हिंदी गाना गा। चल शुरू हो जा। अब खड़ी क्यों है? बेकार में अपना टाइम वेस्ट कर रही है। अगर तू बार डांसर बन गई ना तो सच कहता हूँ फुल टाइम डिमांड में रहेगी। अरे 1.5 फुट। ये बोलिए, ये चरण का फोन नंबर तो देना जरा। व्हाई सर? उसे फोन लगाकर बताना है कि बेबी का सर कुचल डाले। व्हाई ऐसा सर? अभी अभी तो आप उसे फ्लावर कह रहे थे। फ्लावर तो वो है, लेकिन उसमें चुभने वाले कांटे बहुत हैं। और सबसे बड़ा चुभने वाला कांटा तो उस नक्चड़ी का बाप है।
कहाँ है उसका खड़ूस बाप? ये सर लड़की का बाप। हाजिर हो, हाजिर हो नीचे। इसी दिन के लिए बेटी पैदा की थी तूने? ये थप्पड़ आपको नहीं, उसे मार रहा है। उसे लाड प्यार देकर सर पे तूने चढ़ाया है, नकचड़ी बना दिया। तुमने मेरा जीना हराम कर दिया है, बाप बेटी ने मिलकर। मेरी पगार से ज्यादा टेंशन देते हो। मेरा ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल है, क्योंकि तुम्हारी बेटी आउट ऑफ कंट्रोल है। सुनो, अगर तुम बाप बेटी ने गलती से भी मुझे फोन किया तो लात खाओगे। कैसे जीने नहीं देते? देखा तुमने, कहानी का नया एंगल। हर पुरानी कहानी के पीछे एक नई कहानी होती है, लेकिन इसी कहानी तो पूरी लमलेट हो गई है। जिस फूलों से प्यारी बच्ची का ये सेक्रेटरी है, वो तो हकीकत में फूलन देवी की नानी निकली। मेरे पेट में दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पेट में कुछ गोल गोल घूम रहा है। क्या घूम रहा है? पता नहीं, पर कुछ तो गड़बड़ जरूर है। वो चूहे होंगे। अब इन चूहों को शांत करने के लिए कुछ तो खाना पड़ेगा ना। ये मछली कितने की है? क्या बोली? मैं तुमसे ये खरीदना चाहती हूँ। मुझे बेचनी नहीं है। ओके, ये लो $100। नहीं, $200। नहीं, $500। सॉरी, $1,000। अब सोच लो, ये बहुत है। हाँ, अच्छा चलो, $1,000 प्लस मेरी ये चेन। ओके, पता है तेरी बाप की दौलत से तुझे कुछ चीजें कभी नहीं मिलेंगी। ये मछली भी उन्हीं में से एक है। सर प्लीज, मुझे बताइए कि इस मछली के लिए मैं आपको क्या दूं? जो मांगूंगा वो देगी। देख सोच ले, जो भी मांगूंगा देना पड़ेगा।